नमस्कार, आप देखा राजधानी समाचार। बात की जाए राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र की, तो हमें यहाँ बीनागंज बस स्टैंड पे हूँ। कैमरा मैन से कहूँगा इधर बस स्टैंड को दिखाएं। उधर बीनागंज के पास है हम, जो चाचौड़ा बीनागंज पास है, यहाँ लोगों से बात करेंगे। बस स्टैंड पर क्या माहौल है, राजगढ़ में जनता कैसे चाह रही है। एक साइड है रोडमल नागर, दूसरी साइड है दिग्विजय सिंह। वैसे क्या माहौल है, जनता क्या चाह रही है? दिग्विजय सिंह को चाहिए, रोडमल नागर ने दर्शन नहीं दिया। जब 10 साल से संसद बन रही है, वो यहाँ किसी को दर्शन नहीं दिया उसने आके। बीनागंज में नहीं आए कभी? नहीं, कभी आया होगा एक आध बार, तो ऐसे आने से क्या, कुछ काम किया नहीं आया। जब टिकट मिल गए, जब आया इसलिए टिकट पक्का हो गया। जब आया, जब के बाद आया ही नहीं। दो बार टिकट मिला, दो बार ही आया, जिसके बाद आया ही नहीं। जब भी कोई काम नहीं कर उसने ढंग से, संसद है जब भी ना खुश है। दिग्विजय सिंह जी जीतेगा, खूब ठोक के आएगा, वो वोट देंगे, वो ठोक के वोट देंगे, एक डंका भाई जीतेगा। क्या लग रहा है जब, क्या लग रहा है माहौल, क्या राजगढ़ लोकसभा माहौल? ये राजगढ़ लोकसभा का कांग्रेस को वोट होगा एक तरफा। बीनागंज में, इधर बीनागंज नहीं, पूरे एरिया में ही, दोनों तहसील राघोगढ़ और चाचौड़ा। और हमारा कहना यह भी, राजगढ़ भी टोटल उसका 80% वोट दिग्विजय सिंह को मिलेगा। नागर का कोई विकल्प नहीं है, आप भले ही सर्वे करो मत करो, ठीक है, कांग्रेस पार्टी जीतेगी इसमें। ना मोदी का चले, ना बीजेपी का चले, ना किसी आदमी का चलेगा। अब की बार दिग्विजय सिंह, अब की बार दिग्विजय सिंह की बात कर रहे भैया ये सब लोग। बिल्कुल सही है, कोई दो राय नहीं है। क्षेत्र में आना जाना उनका दिग्विजय सिंह का, वो तो यहीं के लोकल के हैं और हालचाल पूछते रहते हैं जनता से, लेकिन रोडमल नागर ने कैसे दर्शन ही नहीं किए यहाँ, मतलब तमाम लोग हैं उन लोगों से ही बात करेंगे। वैसे क्या लग रहा है, क्या चारी जनता? ये तो नहीं भैया, हाँ भी कह रहे हैं जो सही है, तमाम लोग हैं। अब की बार बीजेपी का कोई कालम नहीं है यहाँ, सिर्फ ओनली दिग्विजय सिंह, एक ही बात है। हर भैया अच्छे वोटों से जिताएंगे, अब किसी मतलब में जो बीजेपी के मतलब में अभी तक रोडमल नागर जी ने यहाँ पे आकर भी एक बार भी कोई से विकास नहीं किया है, और ना ही तो उनके क्षेत्र में अभी तक विकास हुआ है। अच्छे उनके क्षेत्र से भी अच्छे वोट मिलेंगे कांग्रेस में सर, हाँ दिग्विजय सिंह जी को। क्या लग रहा है तो पुराने आदमी, क्या है माहौल, क्या है भाजपा की कांग्रेस का? भैया क्षेत्र को राजा उन भाई दे देंगे दिग्विजय सिंह है। दिग्विजय सिंह और क्या, उनने अपनी भिषा गिरी बापड़ा है। और भाई रोडमल नागर जी, रोडमल नागर जी तो ना पचोर आड़ी का, उनसे कई काम पड़े हमारे। भ्रष्टाचारी आदमी, बहुत सारे गेहूँ गोदामों से बेच खाए थे उसने, लोकसभा सांसद रहा तब भी। वो अच्छा आदमी नहीं है, वो हमारे एरिया के लिए कोई सांसद है कुछ नहीं है। के लिए अच्छे नहीं है आज की पोजीशन में, उसने लाखों रुपए का घोटाला कर दिया, वो अपने जनता के लिए क्या सेवा करेगा? जो 10 साल में ऐसे प्रत्याशी होने के बाद में भी, इतनी बड़ी पद मिलने के बाद में वो काम नहीं कर पाए, तो अब वो क्या काम कर पाएंगे सर? क्या लग रहा है युवाओं के मन में, क्या है? सही बोल रहा है, क्योंकि रोडमल जी को कभी देखे नहीं, यहाँ पे खुद के क्षेत्र में विकास नहीं किया उन्होंने। हाँ, वो किस्मत से जीतना है वो तो, कि बीजेपी में इसलिए जीतना है बस। और दिग्विजय सिंह तो जाके लोकल के हैं, आते जाते भी रहता है, काम भी करवा रहा है। तमाम लोग हैं ये देख सकते हैं, चाचौड़ा बीनागंज, बीनागंज बस स्टैंड पर है, हम देख सकते हैं। तमाम लोगों से बातचीत हुई, सबका यही कहना है कि यहाँ से दिग्विजय सिंह जीतेंगे। न्यूज कमर की रिपोर्ट, बीनागंज राजगढ़ लोकसभा। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।